वेलकम टू एक्सेलेंट क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री में द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर को शुरू करेंगे और कंप्लीट चैप्टर के बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। सो प्लीज वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। इससे साथ ही क्लास की पीडीएफ आपको एक्सेलेंट क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मिल जाएगी। नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी आपको वहां से मिलते रहेंगे। देखिए यहाँ पे द्रव्य की अवस्थाएं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो द्रव्य की अवस्था का इंट्रोडक्शन, तो द्रव्य क्या होता है उसको हमने पूरा डिटेल में लिख रखा है, तो आपको यहाँ से इसको पढ़कर उसके नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद ये स्टेट बोर्ड और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, इसके साथ ही आप यूपी बोर्ड के लिए आराम से यहां से आप नोट्स बना सकते हैं और इसको लिख सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे लेकिन इंट्रोडक्शन में आप जानते हैं द्रव्य, द्रव्य यानी मैटर क्या होता है। देखिए इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो सिर्फ दो की पॉइंट आपको याद रखने हैं कि वस्तु का द्रव्यमान है और अगर वो वस्तु स्थान को घेर रही है तो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। जैसे हवा और पानी, चीनी और रेत, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, द्रव्य है यानी कि पदार्थ है। इसके साथ ही कुछ भारतीय दार्शनिकों ने बता रखा है कि हमारे यहाँ जो पांच तत्वों से मिलकर चीजें बनाई जाती थी, जिसमें से पहला वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है और जल है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, इन पांच चीजों से मिलकर किसी भी चीज को बनाया जाता था। तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने इसके बारे में पहले बता रखा है। तो यहां से आपको द्रव्य क्लियर होना चाहिए कि द्रव्यमान और स्थान जो घेरता है जिसका द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाता है। प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार से पांच चीजें जो होती थी ये द्रव्य को बनाती थी, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। इसके साथ ही आगे कुछ पॉइंट लिखे, जैसे मान लो द्रव्य को वर्गीकृत करना है तो वर्गीकृत दो तरीके से किया गया, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर जब इनको वर्गीकृत किया गया तो क्या क्या चीजें इसमें बनाई, कितने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, तो तीन। तो कौन कौन से थे, ठोस, तरल यानी कि द्रव और गैस। तो द्रव्य को कितने पार्ट्स में डिवाइड, कितने कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया, तो दो प्रकार से, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। इसके साथ ही कितने रासायनिक गुणों के साथ, सबसे पहले क्या है, भौतिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो ठोस, ठोस के बाद द्रव और गैस। तो यहां लिखा हुआ है, आप यहां से इसको नोट्स बना सकते हैं आराम से। रासायनिक गुणों के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों को कितने भागों में, तो लगभग दो भागों में, यौगिक और मिश्रण के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, और जैसा हेडिंग देखिए लगी हुई है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की या द्रव्य की भौतिक प्रकृति क्या है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आराम से लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। तो पदार्थ कणों से बना होता है, तो आपसे पूछते हैं कि पदार्थ की प्रकृति क्या है, तो पदार्थ कणों से बना होता है। तो हमारे चारों ओर सबको छोटे छोटे कणों या छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है और ये कण लगभग क्या लगातार गतिमान होते हैं, छोटे छोटे कणों से या टुकड़ों से बना होता है। ठीक है, तो पदार्थ कणों से बना होता है और ये क्या होते हैं, लगातार गतिमान होते हैं। पदार्थ बनाने वाले कण परमाणु या अणु कहलाते हैं, जो पदार्थ बनाते हैं वो कण क्या कहलाते हैं, तो परमाणु और अणु कहलाते हैं। इसके साथ ही पदार्थ के मूल लक्षण क्या है, पदार्थ के कणों के लक्षण क्या है वो क्या है। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिमान होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, इसका एविडेंस देखिए आराम यहाँ दिया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है कि पदार्थ के कण लगातार गतिमान होने का सबसे अच्छा प्रमाण क्या है, ब्राउनियन ने बताया। ब्राउनियन, जैसे मान लो कोई एक बीकर ले लिया जाए, उसमें रेत के कण भर दिया जाए, पानी भर दिया जाए, तो जब आप उसमें रेत के कण भरेंगे तो वो जो कण होंगे छोटे छोटे, आपके पास विजिबल होगा कि वो एक दूसरे को, एक दूसरे से क्या होते हैं, गतिमान, एक दूसरे से टकराते हैं, तो यहाँ पे एक
मोशन होता है जिसको बोलते हैं जिगजैग मोशन, या फिर इसको नाम, इसका नाम क्या है, ब्राउनियन गति। तो इसको किसने दिया था, तो इसका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में, इस गति के बारे में बताया था। तो यहां से आपको क्लियर होता है कि पदार्थ की कण निरंतर गतिमान होते हैं। और पानी, इसमें फिर इसका एक एक्सपेरिमेंट और दिया हुआ है कि पोटेशियम पर मैग्नेट और पानी का उपयोग करके आप पता कर सकते हैं कि पदार्थ के कण लगातार गतिमान होते हैं। तो क्या करना है, एक बीकर लेंगे, बीकर में गर्म पानी का उपयोग कर गर्म पानी डाल देंगे, फिर इस पानी में पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिया जाए। तो पोटेशियम परमैंगनेट को डालने के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे जो पानी का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। ठीक है, तो इससे भी प्रूफ होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं गतिमान होते हैं, गति के कारण दूसरे से क्या हो जाते हैं, अधिक तेजी से घुल मिल जाते हैं। तो यहां से आप एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं, ऐसे भी आप रखेंगे तो थोड़ी देर बाद वो बैंगनी रंग हो जाएगा, इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, फिर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच कुछ कोई आकर्षण बल होता है जिससे आपस में दूसरे से क्या होते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। इसके साथ ही जैसे एक ही कोई पदार्थ है, एक ही पदार्थ के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, ससंजक बल बोलते हैं। एक ही पदार्थ के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, ससंजक बल। इसके बाद इसका एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जैसे कोई चाक का टुकड़ा लिया जाए, एक बर्फ का टुकड़ा लिया जाए और लोहे की कील ली जाए, अब दोनों को तोड़ेंगे हम तो कौन सा पहले टूटेगा, चाक का टुकड़ा आसानी से टूट जाएगा, बर्फ बर्फ को तोड़ने के लिए थोड़ा अधिक बल लगाना पड़ेगा, और लोहे की कील को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, हो सकता है टूटे भी ना अगर आप उस हिसाब से बल नहीं लगाएंगे तो। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे कि चाक के टुकड़े में कम आकर्षण है तो वो जल्दी टूट गया, बर्फ के चाक के अपेक्षा बर्फ में क्या होगा, ज्यादा आकर्षण होगा इसलिए वो देर से टूटा, और कील के जो कण होंगे छोटे छोटे उसमें उससे ज्यादा आकर्षण होगा तो और देर में टूट जा टूट रहा है। तो नीचे लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लेना यहां से। इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर यानी द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती हैं, तो द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती है, तीन, ठोस, द्रव यानी तरल और गैस। फिर इनके पॉइंट्स क्या है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं इसको। देखिए द्रव ठोस, और हम लोग डिस्कस करेंगे इसके पॉइंट्स को याद रखेंगे आयतन और आकार से, आयतन और आकार से। जो ठोस होगा उसमें आयतन और आकार दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। ठोस में आयतन और आकार दोनों क्या होंगे, निश्चित। इसके बाद यदि हम द्रव की बात करें तो द्रव का आयतन तो निश्चित होगा, आयतन निश्चित, मान लिया हमने 1 लीटर पानी को लिया और 1 लीटर पानी को हमने बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी में, तो बाल्टी में डालने पर ये बाल्टी का आकार हो जाएगा। फिर किसी ग्लास में ले लिया तो ग्लास में लेंगे तो ग्लास क्या आकार हो जाएगा, तो इससे पता चलता है वो पानी का जो आयतन है वो तो 1 लीटर ही है लेकिन जो उसका आकार है वो बार बार चेंज हो रहा है। यानी द्रव में क्या होगा, आयतन निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होगा। फिर गैस में दोनों अनिश्चित, दोनों क्या होंगे, अनिश्चित होंगे, दोनों अनिश्चित होंगे। तो यहां से आप याद रखेंगे जैसे ठोस अगर पूछा है तो आयतन और आकार क्या होगा, निश्चित। उसके बाद फिर ठोस में क्या होगा, आयतन और आकार निश्चित, द्रव में आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित, गैस में आयतन और आकार दोनों क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि जो ठोस को, ठोस जो होता है उसको संपीड़ित नहीं किया सकता है, यानी कि संपीड़ित, संपीड़न का मतलब क्या होता है, संपीड़न मतलब ये होता है कि किसी चीज पर दाब लगाकर उसके आकार को परिवर्तित किया जा सके, तो उसको बोलते हैं संपीड़न। तो लिखा हुआ है कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, यानी ठोस को ज्यादा संपीड़ित नहीं कर सकते, यानी संपीड़ित कर सकते लेकिन उतना नहीं कर सकते। द्रव में क्या है, द्रव को अधिक संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, और लिखा गैसों को आसानी संपीड़ित किया जा सकता है। तो यहां से आप याद रखेंगे कि जो संपीड़न है वो सॉलिड में क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, द्रव को अधिक नहीं कर सकते और गैसों को संपीड़ित कर सकते दबा के। फिर नेक्स्ट हमें लिखा हुआ है ठोसों में उच्च घनत्व होता है, यानी ठोस के जो कण होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में जैसे ब्रिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ईट, ईट को देखा होगा आपने,
ईट के एग्जाम्पल से पता कर सकते हैं कि इसका जो इनके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, और इस पास पास होने की वजह से इनके बीच में आकर्षण बल भी बहुत ज्यादा लगता है, तो इनका जो घनत्व होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब इसके कंपेयर में जो पानी होता है यानी कि द्रव होता है, उस उनके मध्य में जो उनका जो घनत्व होगा वो ठोस की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनके कंपेयर में जो ठोस के कण होंगे वो द्रव के जो कण होंगे ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक, तो इनके बीच में इनका जो घनत्व होगा वो ठोस से कम, और गैसों का जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि इनके जो कण होते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। फिर इसके बाद ठोस प्रवाहित नहीं होते यानी बहते नहीं है, ये आमतौर पर आसानी से बहते रहते हैं, और गैस तो आसानी बहती है, तो ये ठोस द्रव गैस आप यहां से याद रखेंगे। इसके बाद फिर है नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है कि जो कण है वो क्या है, कि ठोस द्रव और गैस, अगर कोई किसी को हमको बताना है कि वो गुण जो है उनके इनके जो गुण है वो कैसे हम तय करेंगे कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कणों के बीच रिक्त स्थान, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो कणों के बीच रिक्त स्थान मतलब ठोस में क्या होगा, रिक्त स्थान बहुत कम होगा, ठोस में रिक्त स्थान कम, यदि अगर कोई ठोस है तो उसमें जो रिक्त स्थान है कि ठोस के कणों के बीच में जो स्थान होगा बहुत कम होगा, तो लिखा देखिए ठोस में न्यूनतम स्थान होगा। फिर तरल में ठोस के अपेक्षा जो स्पेस होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, और गैसों में उससे ज्यादा होगा। तो हमको अगर पता करना है ठोस द्रव गैस कैसे होते, तो अगर कोई ठोस है तो उनके बीच में जो उनके जो कण होंगे उनके बीच स्थान क्या होगा, बहुत कम होगा, और द्रव में थोड़ा ज्यादा होगा ठोस के अपेक्षा में, गैस में बहुत ज्यादा स्थान होगा। फिर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि कणों के बीच जो बल लग रहा है आकर्षण बल वो किस में ज्यादा होगा, तो ठोस में, ऑब्वियसली जब बात है ठोस में ज्यादा होगा तो इसलिए वो ज्यादा मजबूती से बने रहते हैं, तरल में कम होता है ठोस के अपेक्षा, और गैसों में नगण्य होता है। फिर इसके बाद है द अमाउंट ऑफ मूवमेंट पार्टिकल्स, यानी कि कणों की गति की मात्रा, तो जो कणों की गति है वो ठोसों में न्यूनतम होगी। अब जाहिर सी बात है अगर आकर्षण बल के बीच बहुत ज्यादा है, दोनों एक दूसरे को आपस में कण एक दूसरे को खींच रहे हैं तो एक दूसरे को बाहर निकलने भी नहीं देंगे, तो इनकी जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत कम। और तरल में क्या होगा, ठोस के अपेक्षा ज्यादा होगी, और गैसों में तो अधिकतम होगी होगी, ये आप यहां से पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद तापमान, अब इसके तापमान में क्वेश्चन क्या पूछा था कि तापमान की इकाई क्या होती, तो तापमान जैसे कि इकाई क्या होती, गलनांक उतना ये सब चीजें इसमें, तो डिग्री सेल्सियस संक्षिप्त रूप में हम क्या लिखते हैं, डिग्री और सी बना देते हैं उसमें नीचे। इसको नापते हैं प्रयोगशाला में थर्मामीटर और नैदानिक मीटर तापमान के सेल्सियस पैमाने पर अंशांकित होते हैं। तापमान का एक और स्केल है जिसे तापमान का कैलविन कहते हैं, तो तापमान का एक और यूनिट है यानी इकाई है, उसको क्या बोलते हैं, कैलविन। और ये तापमान मापने की एसआई इकाई कैलविन, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है, तो कैलविन है, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। तो एक इसकी मात्र ये कि इसकी इकाई क्या, डिग्री सेल्सियस, और दूसरी एसआई इकाई क्या इसकी, तो कैलविन है। अब अगर मान लो कैलविन स्केल पर तापमान को निकालना है, कैलविन स्केल पर, तो अगर सेल्सियस में कोई दिया हुआ, मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन कि 30 डिग्री सेल्सियस को हमको क्या करना है, इसको कैलविन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है और 30 प्लस क्या कर देंगे, 273, तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 303, तो यानी कि ये इसका क्या हो गया, कैलविन। तो अगर कोई चीज डिग्री में दी है तो सेल्सियस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे। अब इसको अगर सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस कर देंगे, तो फिर से क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसके साथ ही सेल्सियस स्केल पर तापमान को कैल्विन स्केल में बदलने के लिए हमें सेल्सियस तापमान जो वही लिखा उसको पढ़ लेंगे आप, और इसको करने के लिए घटा देंगे। आगे बढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अब यहां से हम लोग इसका अवस्था परिवर्तन पढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ हम पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरह से बदल सकते हैं, तापमान में बदलाव करके, तापमान बदल के यानी कि गर्म करके या फिर ठंडा करके, और दबाव बदलने से यानी कि दाब को बढ़ा करके या फिर दाब को घटा करके उस स्टेट को यानी ठोस द्रव गैस को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये देखते हैं आगे फिर क्या है। जैसे पहले में लिखा हुआ क्वथनांक, लिखा है वह प्रक्रिया जिसमें कोई तरल पदार्थ गर्म करने पर तेजी से गैस बदलता है, तो क्या कहलाता है, वो क्वथनांक कहलाता है। कोई तरल पदार्थ है उसको हमने गर्म किया, और गर्म करने पर किसे बदलने लगे, वो गैस में, यानी किसी तरल पदार्थ को गर्म करने पर अगर वो गैस में बदल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक उसका कहलाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर उबलेगा, जिस टेम्परेचर पर क्या होगा, गर्म होगा, तो उस वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, उसका क्वथनांक होगा। मान लो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर
बलने लगता है, गैस में परिवर्तित होने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है उसका? क्वथनांक है, पानी का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। सबके अलग अलग क्वथनांक होते हैं अलग अलग ध्रुवों के। तो किसी ध्रुव का क्वथनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल का माप होता है। तो क्वथनांक आपको समझ आए तो आपको याद रखना है कि तरल पदार्थ गर्म करने पर तेजी से गैस बदल जाता है। अगर कोई तरल पदार्थ तो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। संघनन, संघनन में क्या लिखा हुआ है? किसी गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। यानी कोई गैस है उसको ठंडा करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संघनन कहलाएगी। तो संघनन क्या है? किसी गैस या वाष्प को ठंडा करके उसको हम किसमें बदल लें? द्रव में। जैसे मान लो पानी लिया हमने और पानी को गर्म किया, और गर्म करने के बाद फिर इसको ऊपर से ढक दिया, तो देखा होगा प्लेट पे छोटी छोटी वो जो वाष्प होती है बूंदों के रूप में जम जाती है। तो ये यानी कि वो वाष्प थी और फिर किसमें बदल गई है? इसमें बदल गई, पानी में कन्वर्ट हो गई। तो यानी ये किसी गैस को ठंडा करके यानी वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। इसका टैग लिखा हुआ है, ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टैग लिखा है, इसको पढ़ लें। जब किसी गैस को पर्याप्त रूप से ठंडा किया जाता है तो उसकी कणों की गतिज ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि वे धीमे हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जब तक कि वे दूसरे के ओर आवेश में रहते हैं तब, और वो एक तरल बन जाते हैं। यानी जब किसी गैस को पर्याप्त रूप से ठंडा किया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि वे धीमी हो जाती है और एक दूसरे के करीब आ जाती है। जब तक एक दूसरे को आकर्षित होने जब तक कि वे दूसरे को की ओर आकर्षित होने लगती है तब तक वो क्या बन जाती है? तरल बन जाती है। फिर उसका हिमांक, तो किसी द्रव को, हिमांक मतलब फ्रीजिंग यानी फ्रीज करना, ठंडा करना। तो किसी द्रव को अगर हम ठंडा करके ठोस में बदल रहे हैं, किसी द्रव को ठंडा करके इसमें बदल रहे हैं ठोस में, तो वो क्या कहलाता है? हिमीकरण कहलाता है। और जिस टेम्परेचर पे ये ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा कोई द्रव, तो उसका क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, यानी हिमांक कहलाएगा। तो जब पानी को ठंडा किया जाता है तो यह बर्फ नामक ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इसे पानी का जमना कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? हिमीकरण बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पर यह जम जाएगा उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? हिमांक। इसका ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन क्या उसको पढ़ लेते हैं। तो गर्म करने पर ठोस का सीधे वाष्प में और ठंडा होने पर वाष्प का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। गर्म करने पर ठोस का सीधे वाष्प, यानी किसी चीज को हमने गर्म किया, किसी ठोस को गर्म किया और किसमें बदल गया? सीधे वाष्प में। यहाँ पे क्या नहीं बनेगा? द्रव नहीं बनेगा, ठीक है। तो गर्म करने पर सीधे ठोस से किसमें बदल जाए? वाष्प में। और ठंडा होने पर किसमें बदल जाए? ठंडा होने पर वाष्प से किसमें बदल जाए? सीधे ठोस में। तो वो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वाष्प का सीधे ठोस से परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। सामान्य पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन में ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं, जैसे इसमें लिखा देखिए, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेपथलीन और एंथ्रेसिन, ये सब ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है। जब इन ठोसों को गर्म किया जाता है तो इनके कणों में तेजी से इनके कण तेजी से चलते हैं कि वे पूरी तरह से अलग होकर वाष्प या गैस बन जाते हैं। अब इन वाष्प को ठंडा किया जाता है तो ये कण धीमे इतनी जल्दी धीमे हो जाते हैं कि वे फिर से क्या हो जाते हैं? ठोस बदल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास की वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके साथ इसके क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ अपडेटेड दिखेंगे।